सुप्रीम कोर्टे आज पश्चिम बंगाल की ममता बेनर्जी सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट आदेश सामे सुनावणी करवानी छे, जेने संदेश खाली में महिलाओं सामेना गुनाओ अने जामीन हड़प करवाना आरोपियों की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तपास निर्देश आप्यो हतो। तो आपने जणावी दी कि एप्रिल बीजा सप्ताह में पसार करायेला आदेश में कोलकाता हाईकोर्टे सीबीआई ने ते हेतु माटे विशेष तपास टीम की रचना करीने केस में तपास शुरू करवानो निर्देश आप्यो हतो। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस टी एस जस्टिस शिवगमन अने जस्टिस हिरमण्य भट्टाचार्य ने डिविजन बेंचे तपास एजेंसी ने विगतवार रिपोर्ट सौंपवा कह्यु कि त्यारबाद कोर्टे आगळनी कार्यवाही पर निर्णय करशे। तेणे सीबीआई ने एक अलग पोर्टल अने ईमेल खोलवानो निर्देश आप्यो कि जेना पर संदेश खालीना पीड़ितों जामीन पांचवी पाड़वा अने खंडनी संबंधित तेमनी फरियादो नोंधावी शके। कोर्टे केन्द्रीय एजेंसी ने फरियादीओनी ओळख अंगे संपूर्ण गुप्तता जणावानो आदेश पण आप्यो हतो। मार्चनी शुरुआत में सुप्रीम कोर्टे 5 जानुआरी उत्तर 24 परगाणा जिल्लाना संदेशखाली में ईडीए सीएपीएफ टीम पर थयेलो हुमलानी सीबीआई तपास पड़कारती राज्य सरकार की अरजी ने फगावी दीधी हती। तो सुप्रीम कोर्ट में आज संदेश खाली केस की सुनावणी करवामां आवशे। आपने जणावी दईए कि जस्टिस हरिमंच भट्टाचार्य डिविजन बेंचे तपास एजेंसी ने विगतवार रिपोर्ट सौंपवा कह्युं, त्यारबाद कोर्टे आगळनी कार्यवाही पर निर्णय करशे। तेणे सीबीआई ने एक अलग पोर्टल अने ईमेल खोलवानो निर्देश आप्यो कि जेना पर संदेश खालीना पीड़ितो जमीन पचावी पाड़वा अने खंडणी संबंधित तेमनी फरियाद नोंधावी शके। कोर्ट केन्द्रीय एजेंसी ने फरियादीओनी ओळख अंगे संपूर्ण गुप्तता जणावानो आदेश पण आप्यो हतो। मार्चनी शुरुआत में सुप्रीम कोर्टे 5 जानुआरीए परगाणा जिल्लाना संदेश खाली में ईडीए सीएपीएफ टीम पर थयेल हुमलानी सीबीआई तपास पड़कारती राज्य सरकार की अरजी ने फगावी दीधी थी।